इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। देशभर में मौजूद चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों में बुधवार 22 दिसंबर की सुबह से इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है। सूत्रों से इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों को पता चला है कि चीनी मोबाइल फर्मों ने कई बार कथित टैक्स उल्लंघन किए हैं। इसी की जांच के तहत देश के अलग अलग शहरों में इन कंपनियों के दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चीनी मोबाइल फोन कंपनियों के कई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कॉरपोरेट दफ्तर, गोदामों और मैन्युफैक्चरर्स के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है, मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़े। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चर्चित चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो ग्रुप और शाओमी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटी विभाग ने ओप्पो ग्रुप से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशकों, सीएफओ सहित कई पदाधिकारियों के यहां छापेमारी की। खबर के मुताबिक इन कंपनियों के दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित 15 शहरों में स्थित दफ्तरों में तलाशी हो रही है। इन पर शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी करने का आरोप है। शेल कंपनियां कागजों पर चलती हैं, इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो जाती है। इसी साल अगस्त महीने में चीनी टेलीकॉम उपकरण निर्माता ZTE के गुरुग्राम स्थित दफ्तर में आईटी विभाग ने छापा मारा था। ZTE के भारतीय प्रमुख से भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। तब सूत्रों ने बताया था कि आईटी विभाग ने कंपनी द्वारा किए गए कई टैक्स उल्लंघनों के मामले पकड़े हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन बिजनेस, लोन एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़ी कई चीनी फर्मों पर भी हाल ही में छापा मारा गया था। केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि देश में फिलहाल 92 चीनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 80 कंपनियां वे हैं जो सक्रिय रूप से कारोबार करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 70% हिस्सेदारी सब चीनी कंपनियों की है। वहीं भारत में टीवी का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। इसमें भी चीन की कंपनियों की काफी बड़ी हिस्सेदारी है। आंकड़ों के मुताबिक स्मार्ट टीवी के बिजनेस में करीब 45% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है। चीनी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका भी एक्शन ले चुका है। बीते नवंबर महीने में चीन की करीब 13 कंपनियों पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ये कंपनियां चीनी सेना को उनके मिलिट्री एप्लीकेशन में मदद करने के लिए अमेरिकी मूल के सामान को हासिल करने की कोशिश करती हैं। उधर 21 दिसंबर को खबर आई थी कि नेपाल ने भी चीन की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?